जो लोग इस भारत देश के डेमोक्रेसी को मानने के लिए तैयार नहीं था, तो आज भारत के संविधान के आगे झुक के वो एफिडेविट पे साइन करके आज मैं भारत के संविधान की शपथ लेता हूँ कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट हूँ, वो एग्री कर रहे हैं। इससे बड़े अचीवमेंट उपलब्धि क्या चाहिए? केवल सत्ता और कुर्सी की बात नहीं होता भाई साहब, और गुड बिगनिंग कहें तो गुड्स आर प्रो नेशन, द गुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइंस टू गो फॉर इट। देखो ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेड इट फ्रॉम लॉन्ग बैक, पूरा आप देखो ना किसके हिम्मत है आज झंडा को गली दे पाकिस्तान जिंदाबाद करे, इस चुनाव भी है नहीं है। तो ये जो है मैं कहूंगा ये जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या है जो सही दिशा में लोग कदम आगे बढ़ रहा है, डिजिटल लीडरशिप तो है ही है, भारतीय जनता पार्टी का बखार कार्यकर्ता का मेहनत तो है ही है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा कैंडिडेट नहीं भी है वहां भी इसी 370 हटाने के डिसीजन से वहां इन्फ्लुएंस होके आज पाकिस्तान जिंदाबाद छोड़ दिया, तो अच्छी बात। दैट्स अ गुड स्टार्ट, यूथ इज कमिंग द मेनस्ट्रीम एंड समिंग आउट टू वोट, दैट इज अ गुड स्टार्ट। अभी मुझे मैं ये नहीं बोलना कि राइज अबव द पार्टी, हकीकत अब राहुल गांधी जी का प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद राहुल गांधी जी का जलसा हुआ, दोनों नेता का कितना पीसफुली हुआ, अचीवमेंट किसका है? पहले किसी का हिम्मत था कश्मीर में जाके चाहे आप तिरंगा यात्रा करो, मुझे याद है हमारे तब के भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर जी ने तिरंगा यात्रा लेके आए थे, पठानकोट में रुक दिया था, जम्मू एयरपोर्ट से वापस भेज दिया था, लाल चौक पे झंडा खड़ा होने नहीं दिया था। आज राहुल गांधी जी झंडा लेके यात्रा कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा करके कश्मीर तक, अच्छी बात है, करना चाहिए, क्रेडिट किसको जाता है, अमन और शांति का। आज राहुल गांधी जी वहां पे पॉलिटिकल रैली कर रहे हैं इतने अच्छे माहौल में, कोई सिक्योरिटी का खतरा नहीं, खुले हवा में, इस फिजा में, तो जम्मू कश्मीर का कौन है मुख्यमंत्री? बीजेपी से होगा, हम तो वही दुआ करेंगे, हमारा तो कोशिश वही रहेगा। तो मैं क्या ये बोलूं आपको कि नहीं नहीं जी उस पार्टी का होना चाहिए, उसका होना चाहिए, हमारे पार्टी का ही होगा, होना भी चाहिए। इंडियन लाइंस भी काफी कॉन्फिडेंट है इस बार की, हम कॉन्फिडेंस तो 2024 में मरकजी सरकार बनाने का कॉन्फिडेंस है ना, कहां पहुंचे, बट उन्होंने इंप्रूव किया अपना 99% मार्क्स लेके बाद पापा में फंस आ गया बोलने वाले हिंदू के, फिर भी इंप्रूवमेंट किया उन्होंने, तो 24 तक वो भी पहुंच गए, लेकिन उसका उसका कोई महत्व नहीं है। देखिए फॉर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी वी नीड, ठीक है, अपोजिशन भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है ना देश का।